हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक ऐसी चीज़ जिससे आप विदाउट पार्लर जाए और विदाउट एनी पेन अपने स्किन के जो फेशियल हेयर होते हैं उन्हें रिमूव कर सकते हो, वो भी घर पर। और वो चीज़ कौन सी है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है विट सेंसिटिव टच इलेक्ट्रिक ट्रिमर। ये देख सकते हो आप, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आपको स्टोर में भी मिल जाएगी, हर जगह इजीली अवेलेबल होती है। पर फिर भी मैं भी आपको बताऊंगी कि आपको ये कहाँ सबसे चीप प्राइस में मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पैकेजिंग। तो ये है वीट सेंसिटिव टच इलेक्ट्रिक ट्रिमर। अब मैं दिखाती हूँ इसमें आपको अंदर क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहले आपको ये बैग मिलती है जिसमें आप सारे ये जो वीट के ट्रिमर और इसके साथ जो भी आपको एक्सेसरीज मिलती हैं वो आप इसमें डाल के ले जा सकते हो। फिर आपको मिलती है एक इंस्ट्रक्शन बुक और ये है पूरा सेट। तो फर्स्ट जो आपको मिलती है वन ट्रिमिंग हेड है ये। फिर यहाँ मिलते हैं आपको दो कॉम्ब के अटैचमेंट, या आपके आप अपने ट्रिमर के हेड पे लगा सकते हो इस तरह से। और ये जो सेकंड वाली कॉम्ब है उसे भी आप दूसरे वाले जो ट्रिमर के हेड है उस पे लगा सकते हो कुछ इस तरह से। और ये आपको कैप मिलती है, ये ट्रेवल के टाइम पे आप इसे कैप को लगा के रखोगे तो ये आपकी जो ट्रिमर की हेड है ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, तो आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो। ट्रिमर के हेड को अटैच करना बहुत ही इजी है। ये देख सकते हो ये जो मेन हेड है इसमें आपको दोनों साइड में ट्रिमिंग हेड मिलते हैं। देख सकते हो आप कितना ईजी है इसे अटैच करना। और अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाऊंगी कि इससे आप कैसे अपने स्किन के हेयर को इजीली रिमूव कर सकते हो, और ये बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो मैं आपको भी करके दिखाऊंगी। यहाँ मेरे चीक्स पे बहुत ज़्यादा हेयर है और अपर लिप पे भी बहुत ज़्यादा हेयर है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरे बहुत ज़्यादा हेयर है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से भी ट्रिमिंग नहीं की है। आपको क्लियरली दिख रही होगी मेरे हेयर, तो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे ये आपके हेयर को रिमूव करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया ये ट्रिमर, और अभी आप देखिए मैं इसे कैसे ट्रिम करूँगी। देख सकते हो आप कैसे ये ईजीली जो मेरे हेयर हैं वो निकलते जा रहे हैं। आई होप आप देख पा रहे हो, आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा फेशियल हेयर आ गए हैं मुझे। और ये हमेशा होता है 15 to 20 days में मुझे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर आ जाते हैं, इसलिए मुझे ये ट्रिमर लेने की ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि फेशियल हेयर फेस पे होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और यदि आप कोई भी चीज़ अपने फेस पे यूज़ करते हो ना, कोई भी कॉम्पैक्ट या क्रीम, तो उसमें दिखने लगते हैं, आसानी से पता चलते हैं। ये देखिए मैं अपने अपर लिप कर रही हूँ, बहुत ही ईजी से सारे जो भी फेशियल हेयर है वो ईजीली यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। इससे ईजी, और ये मुझे इससे ईजी वे तो और कुछ भी नहीं लग रही है अभी तक। मैं इसे बिल्कुल भी अब पार्लर नहीं जा रही हूँ। अब मैं आपको अपने फोरहेड करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने कितनी अच्छे से अपने सारे फोरहेड के हेयर को रिमूव कर रही हूँ। तो आपने देखा मैंने कैसे इस ट्रिमर की हेल्प से अपने सारे इस साइड के जो भी फेशियल हेयर थे उन्हें रिमूव कर दिया, और ये काफ़ी अच्छी हो गई है। अब मैंने इस साइड के नहीं किए हैं, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में करूँगी अच्छे से। तो ये बेस्ट वे है आपके फेशियल हेयर को रिमूव करने का विदाउट एनी पेन। ये आपके हेयर को रिमूव नहीं करती है, ये सिर्फ ट्रिम करती है, तो इसलिए आपको थोड़ी भी पेन नहीं होती है। और इसे ट्रिम करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से अपने सूखे कपड़े से आपको अपने स्किन को साफ़ करना है। उसके बाद या तो आप रोज़ वाटर लगा लो या फिर टोनर अप्लाई कर लो, तो उसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगी।
तो इस ट्रिमर से पहले मैं अपने फेस पे फेस थ्रेडिंग करवाती थी अपने फेशियल हेयर को रिमूव कराने के लिए। और उसके बाद क्या होता था ना, मेरी स्किन पे पूरी लाइनिंग आ जाती थी, अपर लिप पे पूरे स्किन पे बहुत ज़्यादा लाइनिंग आ जाती थी थ्रेड की। और उससे भी ज़्यादा डेंजरस ये होती थी कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते थे नेक्स्ट डे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, और जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते थे और वो बहुत जल्दी जाते भी नहीं थे, और जब तक वो जाते थे तब तक फेशियल हेयर वापस आ जाते थे, तो कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो इसलिए मैंने फेस थ्रेडिंग करवानी बंद कर दी। और सेकेंड ऑप्शन है फेस वैक्सिंग। मैं फेस वैक्सिंग क्यों नहीं करवाती हूँ वो मैं आज आपको बताती हूँ। 2-3 ईयर्स पहले मैंने एक आंटी को देखा था, उनकी जो ये स्किन है ना वो पूरी जली हुई थी, वो पूरी वाइट थी, और उन्होंने पार्लर वाली को बताया कि वो फेस वैक्स के कारण जो स्किन है ना वो वैक्स के साथ ही पूरी निकल आई थी, ये पूरी स्किन उनकी जल गई थी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मे भी ये हर किसी के साथ नहीं होती होगी, ये एक्सीडेंटली कभी कभी किसी के साथ हो जाती होगी, पर स्किन तो जल गई ना, अब जल गई तो क्या कर सकते हैं, वो वापस तो नहीं आएगी। यदि एक बार स्किन आपकी ख़राब हो गई तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस पछतावा ही रह जाता है आपके मन में। इसलिए अब मैं इसे यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, मैं पार्लर जा कर के फेस थ्रेडिंग नहीं करवाती हूँ। पर मैं ये आपको आईब्रोज़ के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, पर यदि आपके आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे थोड़े से हेयर आ गए हैं एक्स्ट्रा हेयर, तो उन्हें आप केयरफुली रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज़ आईब्रो के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसे सेप बिगड़ सकती है। पर फेशियल हेयर के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, बेस्ट वे है हेयर रिमूव करने के लिए। और एक बात बताइए, यदि आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्लर वाली को 2-4 बातें सुना दोगे, उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो ना। इसलिए आप इसे यूज़ कीजिए, इससे आपकी स्किन के सारे हेयर भी ट्रिम हो जाएंगे, आपको कोई पेन भी नहीं होगी, ना ही आपको पार्लर जाने की ज़रूरत होगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये आपको अभी 15 अगस्त के सेल में बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगी। मैं इसे 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके साथ ये वीट हेयर रिमूवर और साथ में ये काजल फ्री में मिली थी, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। मैं इसके रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसने मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी हैं। अब मुझे पार्लर जा कर के फेस थ्रेड वगैरह नहीं करवानी पड़ती है। तो आपको यदि लेना है तो आप भी इसे ले सकते हो, इससे आप अपने स्किन एंड बॉडी के सारे अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हो। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।